भाई आ गए इलेक्ट्रिक लेमनेट, करंट निकल रहा है भाई इसके अंदर से। लिया भाई लिया, ये ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। देख के करंट में लग जाता है। चिकन शाशले के भाई, लेकिन ये पेंडुलम की तरह बनाया हुआ है, बारबेक्यू शाशले के, सर्विंग विद राइस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से ठीक ठाक? भाई सबकी लाइफ में एक ये वाला फेज तो जरूर आता है कि जब उसको पहली सैलरी मिलती है बंदे को या बंदी को किसी को भी, तो आगे पीछे सारे दोस्त सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं, बल्कि सैलरी मिलने से पहले खड़े हो जाते हैं आगे कि भाई पहली सैलरी की दावत किधर है। ऐसा ही है, सबके साथ हुआ होगा। और जब जब जॉब स्विच की होगी हर जॉब के ऊपर ऐसा हुआ होगा। हाँ मेरा बच्चा लेट जाओ, लेट जाओ। हाँ मेरा बच्चा तो भाई आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुझे याद है मेरी भी जिंदगी के अंदर मैंने बहुत सारी, क्योंकि जितनी जितनी जॉब स्विच की तो सब जगह पहली सैलरी मिलती थी तो वहां सबको दावत देनी पड़ती थी, तो आज भी इसी तरह होने वाला है। आज हम पहली सैलरी की ट्रीट लेने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार किस्म की ट्रीट लेने जा रहे हैं। शायद ऐसी हमने किसी से ट्रीट नहीं ली होगी। लेकिन आज की दावत के अंदर सबसे बड़ा एक जो है ना, एक डिफरेंट चीज ये है कि जिस बंदे की सैलरी की हम लोग ट्रीट ले रहे हैं वो बंदा ही नहीं होगा दावत के अंदर, क्योंकि हमारा ये जो दोस्त है, हमारे जो भाई हैं आमिर भाई, वो पाकिस्तान में नहीं होते, सही, वो अमेरिका में होते हैं। तो सिलसिला ये है कि हम जो है वो उनकी फर्स्ट सैलरी की ट्रीट लेने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही कोई वीआईपी हाईफाई उन्होंने खुद सेलेक्ट किया, उन्होंने रेस्टोरेंट खुद सेलेक्ट किया। उन्होंने बोला आप लोग जो है ना मेरी जो सैलरी की ट्रीट है वो इस जगह पे आप रेस्टोरेंट में लेने के लिए जाएंगे। तो भाई आज हमने लेना है अब्दुल बासित भाई को, आमिर को, यूसुफ को और आप सब लोगों को, और चलते हैं भाई पहली सैलरी की दावत लेने के लिए। लेट्स गेट रेडी। लेकिन भाई दावत से पहले एक काम ये है कि ये आयशा, आयशा कैसी हो? आयशा की तबीयत सही नहीं है, आयशा को मोशन हो गए हैं, और मोहम्मद अहमद की भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो इन दोनों को पहले डॉक्टर के पास लेके जाना है। सही है, डॉक्टर से दवाई लेके इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चले आयशा, हाँ मेरी बेटी। भाई क्लिनिक के बाहर हम लोग आ गए हैं, ड्रॉप कर दिया इन लोगों को। आयशा और मोहम्मद अहमद कहाँ गए? डॉक्टर का नाम क्या है? अब्दुल्ला। डॉक्टर अब्दुल्ला के क्लिनिक में गए हैं भाई, हम लोग बाहर खड़े हैं, जैसे ही मेडिसिन लेके आते हैं ये लोग, इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। सही है। हाँ। दावत के लिए आज हम लोग तैयार हैं। आमिर भाई को हमने पिक कर लिया। आमिर भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज हाँ अब यूसुफ को लेने जा रहे हैं और अब्दुल बासित भाई डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब्दुल बासित भाई की कॉल आई, बोला यार मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ और जो है ना बस पहुंच रहा हूँ, मैंने बोला जल्दी पहुंच जाओ, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट जा रहे हैं वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए हमने कॉल की तो वो नहीं था सीन। उन्होंने बोला आप आ जाए वॉक इन तो फिर सीन हो जाएगा। ठीक है, इधर से जाना था वो मिस कर दिया। तो भाई चलें, भाई आप लोगों को लेके चल रहे हैं हम। सही है, दावत के अंदर टीपू सुल्तान रोड से जैसे ही हम आगे आते हैं तो लेफ्ट साइड पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इसी के अंदर है यहीं पे कहीं रेस्टोरेंट आगे है मेरे ख्याल से थोड़ा सा। अच्छा लोग खुद गैस करेंगे, मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, आइए सर, आइए। होती है सर, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के, कल गाड़ी धुलवाने में बड़ी मदद की इन्होंने। अरे 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 अरे, हमारे अब्दुल बासित भाई पहले से वेट कर। आई लव लंदन, कब से तुम ये लंदन से प्यार करने लगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? आमिर भाई आपकी टी शर्ट पहुंच गई आपके पास? यार मतलब तुम कितने यार भाई, कल दे दिया मैंने सब कुछ इसको। भाई हम लोग आए थे सीजी रेस्टोरेंट, सही है, कोकोनट रूम। मैंने सोचा था नाम नहीं बताऊंगा, लोग एम्बियंस देख के शायद जो है वो गेस कर लेंगे, लेकिन मैंने अंदर जाके देखा, वैसे तो हम लोग वेटिंग में थे लेकिन मैंने अंदर जाके देखा तो उन्होंने बोला भाई आप बाहर के एरिया में बैठ सकते हैं, अंदर शायद फैमिली का सीन है। तो अंदर थोड़ी बहुत लाइट थी लेकिन बाहर का जो एरिया था वो इतना अंधेरा था कि मतलब उसके अंदर तो खाना भी नजर ना आए, तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे, और वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या मजा आएगा। तो भाई हमने बोला छोड़ दो इसको, खली वली कराओ, हम आगे बढ़ते हैं। सही है, किसी और जगह पे जाते हैं, जरा मशवरा करेंगे और इसके बाद फिर किसी और जगह चलते हैं। ठीक है, क्योंकि दावत है हाई फाई हमारे दोस्त की तरफ से, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली जगह सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग एक और रेस्टोरेंट में आ गए देखने के लिए जिसका नाम है गालिब। सही है, जो कि डंकिन डोनट्स के बिल्कुल ऊपर रूफ टॉप पर बना हुआ है। अब सिलसिला देखना है कि क्या है भाई, अगर पसंद आया तो यहाँ पे खाना खाएंगे, नहीं तो किसी और जगह चलेंगे। लेकिन आजकल भाई टाइम कम है, वो बंद हो जाता है जल्दी रेस्टोरेंट। दबाए भाई, क्या है? गालिब, बटन पे ही गालिब लिखा हुआ है। वाह भाई, चले भाई चले, ये चेक करें गालिब के अंदर इस तरह का सेटअप है। मैंने बोला भाई यही सही है, ओके, रूफ टॉप भी है। अब्दुल बासित भाई, आमिर भाई क्या कहते हैं? ओके हैं अब्दुल बासित भाई, ओके भाई हमारे अब्दुल बासित भाई बोल रहे हैं कि इस सेटअप को छोड़ के ये देखें, ये जो सामने बने हुए ना, ये देखें बिल्कुल राउंड राउंड शेप में, यहाँ चलते हैं। अब्दुल बासित भाई यहाँ पे वहीं पे बैठना है आपको, ठीक है? वैसे भाई ये देखें, ये इस तरह का सेटअप था राउंड शेप में, एक बिल्कुल प्राइवेसी वाला सेटअप है, लेकिन अब अब्दुल बासित भाई बोल रहे हैं नहीं यार पहले वाला ही सही। अब हम जो है ना यहीं पे सेटल डाउन हो गए। ठीक है, और ये मेन्यू आ गया। कैसे भाई, खैरियत से आप? ठीक ठाक है माशाल्लाह, जबरदस्त। ये आ गया मेन्यू। ठीक है, अब हम जो है वो सब अपना अपना पेपर करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा। बासित भाई चीटिंग करें यार, आप अपना पेपर करें यार। नहीं नहीं आप अपना पेपर करें, पेपर ही नहीं आया, पेपर ही नहीं आया, बस आप पास है वैसे ही पास है।
भाई यहाँ पे जो है ना यूसुफ भाई ने भूख हड़ताल कर दी है। क्यों यूसुफ भाई, क्या हुआ? बर्गर ही नहीं, बर्गर ही नहीं है। अरे ये तो बड़ा मसला हो गया। ये बैकग्राउंड में साउंड नहीं डाला, ये यहीं पे बज रहा है। सही है ना, ऐसा ना समझिएगा कि बैकग्राउंड में साउंड लगा दिया। भाई हम अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहे हैं। सही है, जिनकी तरफ से एक्चुअली जिनकी फर्स्ट सैलरी की दावत है, अगर वो साथ होते तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मज़ा असल तभी आता है जब जिसकी सैलरी फर्स्ट आई हो उसके साथ जो है वो दावत दी जाए। लेकिन चलें, इंशाल्लाह कभी हुआ तो उनके साथ भी दावत लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो है उनको मिस करते हुए खाना खाएंगे। ऑर्डर हमने दे दिया है, बहुत सारा मिक्सचर ऑर्डर दिया है, जब आएगा तभी आपको बताएंगे क्या ऑर्डर दिया है, ठीक है। देखिए नीचे भी और एरिया बना हुआ है। सही, हम लोग ऊपर वाली साइड पर बैठे, पूरी की पूरी भाई W11 खड़ी कर दी है यहाँ पे। वाह भाई, चेक करें। अच्छा ये देखें, छप्पड़ में मैं आपको कुछ दिखाता हूँ भाई। ये देखें वो अंदर बन रहा है कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा, वो देखें वो पिज़्ज़ा बन रहा है भाई। सही ना, हर खबर पर नज़र है आपके भाई की यहाँ से। यहाँ पे तो आज जो है ना फोटोग्राफी का बड़ा मुकाबला चल रहा है। ये देखें यूसुफ भाई अपने आईफोन 11 में लगे हैं। आमिर भाई दिखाएं जरा अभी आपने जो पिक्चर्स खींची हैं फुल भाई, और मैंने अपने मोबाइल में भी देखी, लेकिन वो मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं सकता। ये चेक करें और दिखाओ, और ये देखें भाई आमिर भाई जो है ना फुल फोटोग्राफर है, वो चेक करें आप। वाह भाई क्या बात है, ये चेक करें भाई। हाँ हाँ हाँ, इतनी देर में देखे पूरा रेस्टोरेंट निपटा दिया आमिर भाई ने। तुम चेक कराओ यूसुफ, तुम चेक कराओ, यूसुफ को ऐसे आधी नहीं तस्वीर के। वाह यार देखो, मतलब यार मतलब देखो मेरे चाइना के मोबाइल का कैसा रिजल्ट आने लगा आजकल है। भाई एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इस सैटरडे को इंशाल्लाह, अभी तक प्लान हमारा ये कंफर्म हुआ है कि इस सैटरडे अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपने रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा, सब कुछ नॉर्मल हुआ, प्लान के मुताबिक चला, तो अगर कुछ चेंजिंग हुई तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। सही है, सो स्टे ट्यून्ड, ना छोड़ना नहीं आप लोगों ने, बिल्कुल इंजॉय करना है हमारे साथ साथ। भाई यूसुफ संभाल के हाथ नहीं मुड़ जाए भाई। देखिए स्टार्टर में चीज़ें आ गई हैं। सही, ये फिश एंड चिप्स आ गए हैं, और ये हमारे साथ एक बच्चा होता है जिसने जो है ना नगेट्स मंगाए हैं। ये बच्चा, ठीक है ना, ये बच्चे ने नगेट्स मंगाए हैं। सही है, और हाँ बर्गर नहीं था वैसे, और ये है डायनामाइट प्राउन। ठीक है, अब मैं सोचा खाना सारा एक साथ आए तो, लेकिन इसको देख के जो है ना आमिर भाई सही बोल रहे, इंतज़ार नहीं हो रहा, तो जरा हम आपको जो है ना खा के बताते हैं क्या सीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फ़िश एंड चिप्स का सीन पहला। हाय हाय हाय, इसके साथ ये जो सॉस है, अब देखते हैं आज हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिश अच्छी है, और इसके साथ जो इसका ये डिप है ना, ये भी अच्छा है। और ये है भाई डायनामाइट प्राउन। ये हो जाए फिर, ये आप लोगों को हो जाए, पहले आप लोग खा लें, चलें आपके भाई खाते हैं। एक ही बात है वैसे हम लोग खाएं तो किसी में। डायनामाइट प्राउन अच्छा है, मज़े का भाई। कैसे लगा आपको, क्या अच्छा लगा अभी तक? मुझे अभी तक नगेट्स अच्छा लगा, मतलब तुम भी बच्चे। अच्छा हाँ मेरे, क्या सीन है? डायनामाइट प्राउन ना, और लेवल की चीज़ आई है, बारबेक्यू प्राउन्स। ठीक है, देखते हैं जरा भाई क्या सीन है। ये तो बिल्कुल वो राशि सी फूड की याद आ गई है आमिर, राशि सी फूड की याद आ गई भाई। चलें ट्राई करते हैं ज़रा क्या सीन है। अब जो है ना हम बारबेक्यू प्राउन ट्राई करने के लिए जा रहे हैं कि क्या सीन है। बड़े रेस्टोरेंट में सर्विंग बहुत कम होती है, प्राइस हाई होती है लेकिन सर्विंग कम होती है, लेकिन ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। स्पाइसी ज़्यादा है लेकिन टेस्टी इतने नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है लेकिन मज़ेदार नहीं है। राशि सी फूड की लेवल अलग है इस मामले में। ये अपना जो है ना मिक्स प्लेटर आ गया, बारबेक्यू प्लेटर आ गया, और ये चेक करें आप, ये पेंडुलम की तरह जो है ना, ये बिल्कुल क्या है भाई, क्या है इसका नाम, क्या चिकन शाशले के भाई, लेकिन ये पेंडुलम की तरह बनाया हुआ है, बारबेक्यू शाशले के सर्विंग विद राइस। देखते देखते, और ये स्टेक कढ़ाई, ये इनकी स्पेशल मटन कढ़ाई है, खोल के दिखाएं आपको। अरे चमचा भी साथ साथ आ रहा है, ये चेक करें भाई, ये सीन ये सबसे पेंडुलम में से ज़रा चिकन निकालें ज़रा, कैसे गिरेगी, अबे वही निकल आएगा, मैंने पकड़ लिया, प्लेट को पकड़ लिया, ऐसे निकलेगी, ये निकल गई भाई, ये आ गया। हाँ हाँ हाँ, ये चिकन शाशलिक आ गई, बारबेक्यू, बारबेक्यू शाशलिक। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे सही ये जो बारबेक्यू चिकन शाशलिक के विद राइस है, ठीक है, ये ज़रा आ जाए, ठीक है। अब इसकी बारी है, ये
ये जो चिकन बारबेक्यू शाश्लिक है, ये जो बोटी है ना जो पेंडुलम की तरह लटक रही है, टेस्टी मज़ेदार है, अच्छी है भाई। हमारे कदम बढ़ रहे हैं बारबेक्यू प्लेटर की तरफ। ये आ गई भाई चॉप्स। ये जो है ना प्रॉपरली कुक नहीं लग रही मुझे, बहुत हार्ड है, शायद थोड़ी सी कच्ची, आई डोंट नो, बट वो मज़ा नहीं है जो होना चाहिए। हाँ मेरे चॉप्स का क्या सीन है, कच्ची है ना, कच्ची है ना, ये सही नहीं। बारबेक्यू ने जो है ना थोड़ा सा दिल ख़राब कर दिया, इसीलिए मैं आ गया हूँ पिज़्ज़ा के ऊपर। ठीक है हाँ बिल्कुल आप लगवाएं ना, वो तो मज़ेदार नहीं था भाई। हाँ आप दूसरे लगवाएं भाई। भाई हम जो है ना पिज़्ज़ा ट्राई करें, ठीक है। और ये पिज़्ज़ा के अंदर एक ख़ास बात यह है कि ये जो है ना वो है किसमें, भट्टी में बनाया हुआ है। ये जो तुर्की में नहीं होता जिस तरह का सीन, वो भट्टी के अंदर डालते हैं फिर निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा पतला सा है। और चिकन फ़हीदा फ्लेवर इसका, ज़रा हम ट्राई करते हैं क्या सीन। पिज़्ज़ा अच्छा है। और तुर्की में एक चीज़ होती है कि उसमें जो है ना ज़्यादा आपको चिकन नहीं नज़र आएगी, वेजिटेबल्स ही नज़र आते हैं, लेकिन ये हमारे स्टाइल में टर्किश टाइप का पिज़्ज़ा बना हुआ है तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा मोटी ब्रेड नहीं जो खाई नहीं जाती, अच्छा है पिज़्ज़ा, अच्छा है। जी अब्दुल वासिफ भाई पिज़्ज़ा का क्या सीन है? अच्छा ओके है ना, डिफरेंट चीज़ है। आमिर भाई बिल्कुल ही अलग है। ओके है ना, तुर्की की याद आ गई ना। आमिर भाई तुर्की में साथ थे हमारे। और अब भाई है टर्किश कबाब की बारी है, ठीक है। ये आ गया भाई, हाँ हाँ हाँ, राइस के साथ सर्विंग है। ये वाकई टर्किश कबाब, बिल्कुल टर्किश कबाब जैसी है, बहुत लाइट मसाले के अंदर बनी हुई है, बहुत अच्छी है। चॉप्स की कंप्लेंट कर दी थी कि चॉप्स कच्चे हैं आपके, बिल्कुल मज़ेदार नहीं है, तो ये एक्सचेंज करके के दूसरे ले आए, ठीक है। अब हम ज़रा ट्राई करते हैं कि इसका क्या लेवल है, अच्छे हैं या नहीं है। भाई ये जो है ना जो चॉप्स आए हैं दोबारा, ज़रा हम ट्राई करने के लिए जा रहे हैं कि क्या सीन है। ये वाले चॉप्स पहले वाले से ही बहुत मतलब ख़राब टेस्ट था, सही है, निकालना पड़ा, मतलब बिल्कुल कच्चे चॉप्स शायद नहीं बनाने आते भाई। मैंने पहले ही बताया हम लोग जो है ना खाने का रिव्यू आपको इसलिए देते हैं कि आप लोग कहीं पे भी खाना खाने के लिए आएँ तो आप लोगों को मालूम हो कि क्या चीज़ मंगवानी है, क्या चीज़ नहीं मंगवानी, किस चीज़ में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, किस चीज़ में अच्छा नहीं रहा, इसीलिए आप लोगों को गाइड करने के लिए सिर्फ हम लोग ये सारी चीज़ें बता रहे थे। बाकी तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके हमेशा खाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग अब पैसे खर्च करते हैं और आते हैं किसी जगह पे, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। भाई आ गए इलेक्ट्रिक लेमनेड, करंट निकल रहा है भाई इसके अंदर से, ले आओ भाई ले आओ। ये ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, देख के करंट में लग गया। 440 वाट का करंट है, ज़रा संभाल के बेटा। ये देखिए भाई उबल रहा है, भाई उबल रहा है। वैसे आमिर ये बताओ कि इसमें क्या होगा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ डाला हुआ है, ये CAC 1000 तो नहीं डाली थी वो थी ना कैल्शियम की गोली होती। ये तो निकल ही रहा है, निकल ही रहा है भाई, बंद ही नहीं हो रही। चले भाई इसी तरह ट्राई करते हैं उबलते हुए मैं इसको। समथिंग न्यू। टेस्ट में नॉर्मल है, नॉर्मल जो होता है ना लिमका ब्लूबेरी टाइप का उसी तरह का, बस ये इसके अंदर जो है वो इन्होंने एक चीज़ ऐड की हुई है जिससे ये थोड़ा सा जो है ना पावर नज़र आ रही है इसके अंदर। हाँ बाकी ओके नॉर्मल है भाई। ये उबलता हुआ स्ट्रॉबेरी भी ट्राई कर लेते ज़रा। हाँ ये अच्छा है भाई। अब मटन कढ़ाई जो है ना हम टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, रोगनी नान के साथ। हाय 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 हाय, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। मटन कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। हाँ आमिर अच्छी ना मटन कढ़ाई। खाना खाने का नींद बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है, आप लोगों का हो जाए तो बता दो। मैं अभी मैं बैठा हुआ था ऐसे आगे पीछे देख रहा था, ये सामने देखें बिल्डिंग के ऊपर नज़र आया मुझे क्या लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, ठीक है। अल्लाह पाक हमें बार बार मतलब दिन में अक्सर ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बना दे, कितनी प्यारा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त लगा माशाल्लाह देख के। वो देखें बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है ना। अब्दुल बासित भाई के लिए गिफ्ट आइटम्स आ गए ना गालिब रेस्टोरेंट की तरफ से,
अब्दुल बासित भाई इसमें की चैन वॉलेट सारी चीजें सब आपके लिए। अरे नहीं ये तो टेक अवे आपका। बिल आ गया है लेकिन दिखाने जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल आया है। लेकिन भाई रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे फूड आइटम्स अच्छे थे। कुछ एक दो ने जो है ना मतलब बर्न मारा कुछ आइटम्स ने, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक्सपीरियंस मतलब ज़्यादातर आइटम्स अच्छी थी, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव ज़्यादा है। थैंक यू आमिर भाई, आपकी सैलरी की ट्रीट हम लोगों ने ली, अच्छा लगता आपके साथ लेते, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ भी ले लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और चलते हैं भाई, सही है, घर पे आ गया मैं फाइनली। और ये देख रहे हैं आप लोग रोड ट्रिप की तैयारी हो रही है भाई। अब्दुल कबीर सो रहा है मेरा बच्चा माशाल्लाह, और ये तैयारी हो रही है भाई, कपड़े वपड़े निकाले जा रहे हैं एक्चुअली। और ये आयशा बेटी, आयशा बेटी आपकी तबीयत सही हो गई? हाँ हुए तो नहीं मोशन अब इसको? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी। चलें भाई सही है, फिर कल की वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सैटरडे अर्ली मॉर्निंग हमारा जो है वो रोड ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, और मौसम भी फुल जो है वो बारिशों वाला चल रहा है, तो दुआ कीजिएगा सब खैर वाफियत रहे और सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ तो इंशाल्लाह सैटरडे को निकलेंगे। ऐसे ही आयशा, लेकिन आयशा आप नहीं आओगी? हाँ चलें भाई, ओके फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।